हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनुसर में। और दोस्तों, मैं हूं गौरव सिंह और मैं आ चुका हूं आपके सामने पार्ट नंबर 11 को लेकर के, ठीक है। क्योंकि पार्ट नंबर 10 में मैंने आपको पीछे कराया था एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी प्लेटों के बीच में हमने एक आंशिक मोटाई की परावैद्युत की पट्टी रख दी थी। तो धारिता क्या होती है, किस प्रकार उसका व्यंजक निकाल सकते हैं, ये वीडियो मैंने कराया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, और आज जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको साथ ही साथ श्रेणी क्रम संयोजन भी कराया था, ठीक है। संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन भी पिछले वीडियो में कराया था, और यहाँ ले रहे हैं हम समांतर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन संधारित्र, मान लीजिए तीन है हमारे पास, ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए तीन संधारित्र C1, C2 और C3, जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, और इनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में। दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका वही है जैसे कि हमने पीछे कराया था। देखिए क्या है, इनके पहले पहले टर्मिनल को एक तरफ और बाद वाली प्लेटों से, ठीक है, प्लेटों को एक पॉइंट पर आकर के जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार जो संयोजन होता है दोस्तों, यही होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। और इसमें हम ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में क्या लगा देते हैं, एक विभवांतर भी लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, विभवांतर वाली एक बैटरी का यूज कर देते हैं हम। अब दोस्तों, यहाँ से क्या जाएगा, आवेश जाएगा ए बिंदु पर, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, मान लो इसे ए बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश। और दोस्तों, अपनी अपनी धारिता के अनुसार ये संधारित्र आवेश को अपने अंदर लेंगे, अर्थात आवेश को संचित करेंगे अपने अपनी धारिता के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि विभवांतर सेम है तो धारिता, तो यहाँ पर आवेश का मान क्या होगा, धारिता के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने लिया है Q1 आवेश, और इसमें गया है Q2 आवेश, और इसमें गया है C3 में जो गया है आवेश, वो गया है Q3 आवेश गया है। और दोस्तों, Q1 कहाँ जाएगा, इसकी प्लेट पर फैल जाएगा आवेश, और ठीक उतना ही ऋणावेश आएगा, जैसा कि आप जानते हैं पीछे मैंने कराया भी है। और यहाँ पर धनावेश जो आएगा, वो धनावेश बी बिंदु पर पहुँचेगा, और बी बिंदु नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से उदासीन हो जाएगा और ख़त्म, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं Q2 आवेश की। Q2 आवेश भी पहुँचेगा और C2 पर फैल जाएगा, इसकी पहली प्लेट पर, ठीक, फैल गया। अब यहाँ पर इतना ही ठीक विपरीत आवेश आ जाएगा, और धनावेश फिर से बी बिंदु पहुँचेगा, और नेगेटिव से जुड़े होने के कारण ये भी निरावेशित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम C3 की बात करें, तो यहाँ पर Q3 आवेश पहुँचेगा, और Q3 आवेश यहाँ से पहुँचने के बाद सीधा पहुँचेगा कहाँ, प्लेट पर पहुँचेगा, और प्लेट पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा विपरीत प्रकार का, और धनावेश फिर से बी बिंदु पर पहुँचेगा, बी बिंदु ऋणावेश यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण फिर से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारे संधारित्र क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ जो आवेश का मान है वो क्या है, Q1, Q2, Q3 अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आवेश को अलग अलग शो किया है, ताकि आपको पता चले कि आवेश का मान क्या होगा, समांतर क्रम में अलग अलग आता है। परंतु विभवांतर क्या है, देखिए सबका सेम है, इसका भी, इसके सिरों पर विभवांतर भी, इसके सिरों पर विभवांतर भी, और इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, वी है। तो तीनों के सिरों पर विभवांतर सेम रहेगा इस बार, परंतु आवेश का मान क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, इसका उल्टा था, वहाँ विभवांतर अलग था V1, V2, V3, और आवेश के मान क्या थे, समान थे, Q1, Q2, Q3 के मान समान थे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम, तो हम देखेंगे परिपथ का कुल आवेश क्यू जो है, परिपथ में कुल आवेश क्यू जो होगा कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के योग के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि Q आवेश 3 जगह बटा है, तो तीनों को मिला दीजिए, Q के बराबर हो जाएगा। परंतु हम क्या जानते हैं दोस्तों, अगर हम Q1 का मान निकालें, Q1 तो Q बराबर कितना होता है, CV फॉर्मूला होता है, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ आएगा C1 V1। परंतु दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले कि तीनों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा, और वी होगा, सबको क्या मान लेंगे हम, वी मान लेंगे, ठीक है। तो C1 इंटू वी लगाएंगे हम। इसी प्रकार से जब हम Q2 का मान निकालेंगे, तो C2 इंटू वी आएगा, और Q3 का मान दोस्तों आएगा हमारा C3 V, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। यदि मैंने मान लिया, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य धारिता उसको मान लिया मैंने, तुल्य धारिता सी मान लिया है, तो कितना होगा, तुल्य धारिता सी है, तो सी है तो कुल आवेश क्यू का मान कितना होगा, क्यू बराबर सी भी होना चाहिए, फिर कुल आवेश क्यू
ठीक है, किसके बराबर होगा, कुल धारिता कुल विभवांतर V के बराबर होगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इस तरीके से हमारा Q बराबर CV होगा। अब हम एक काम करेंगे, समीकरण 2 और 3 से मान उठा करके समीकरण 1 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम 1 में रखेंगे दोस्तों क्या होगा, देखिए Q बराबर CV हो जाएगा और यहाँ पर C1V हो गया, ये C2V है और Q3 का मान C3V है। और यहाँ से हम V को कर सकते हैं कॉमन, CV बराबर, तो V को कर देंगे कॉमन। एक बार मैं और देख लूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा और यहाँ से V कैंसिल और हमारा जो आएगा कहाँ लिख दूँ मैं, चलिए यहीं लिख देता हूँ और मैं देख लूँगा एक बार चेक करके आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब मैं एक बार और देखता हूँ, ये लास्ट लाइन आपको दिख रही है नहीं, ठीक है दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और दोस्तों यही हमारा तुल्य धारिता का व्यंजक आ चुका है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक ये हो गया, अब हम लेते हैं इसका बचा हुआ दूसरा टॉपिक, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व कितना होगा, हम उसको लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में और हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है। और देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का घनत्व कितना है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ऊर्जा घनत्व कितना, आज हम उसके लिए व्यंजक निकालेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्या है। और वेरी 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 सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान डेरिवेशन है, आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र ही रहा, इसके जब हम इसको आवेश देंगे, ठीक है, मान लीजिए क्यू आवेश दिया तो इसके ऊपर फैल जाएगा, प्लेट के ऊपर आ जाएगा एक समान रूप से आंतरिक प्लेट पर, और ठीक उतना ही ऋणावेश आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे पृथ्वी से तो यहाँ पर यह धनावेश चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, पृथ्वी के अंदर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋणावेश हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बन गया है, विद्युत क्षेत्र बन गया है ना, तो इसके अंदर क्या है, विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत क्षेत्र में क्या है, ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का घनत्व कितना है, यहाँ प्लेटों के बीच में कहीं भी किसी बिंदु पर ऊर्जा का घनत्व निकालना हमें कितना होगा। तो दोस्तों ऊर्जा घनत्व हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच में ऊर्जा निकालेंगे कितनी है। जब प्लेटों के बीच में ऊर्जा आप निकाल पाए, अगर आप प्लेटों के बीच की ऊर्जा निकाल पाए तो ऊर्जा घनत्व निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्लेटों के बीच में क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकाल लेते हैं, कितनी ऊर्जा है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि प्लेटों के संधारित्र की आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, भाई ऊर्जा निकालेंगे ना पहले हम, तभी तो ऊर्जा घनत्व निकलेगा। तब पहले आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी, आप जानते हैं U बराबर हाफ CV स्क्वेयर होती है, जानते हैं आप, मैंने आपको कराया था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कराई थी मैंने, ठीक है, ये वही तो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ऊर्जा है ये वही ऊर्जा है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, हाफ CV स्क्वेयर के बराबर होगी, ठीक है। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, परंतु हम क्या देख रहे हैं इसमें,
यहाँ पर एक तो सी आया एक बी आया। मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, क्या है, डी दूरी है, ठीक है। और दोनों जो प्लेट हैं इनका क्षेत्रफल क्या है, समान है, और ए क्षेत्रफल वाली है, ठीक। और मान लीजिए इनके बीच में क्या भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, क्या भरी हुई है इनके अंदर, वायु भरी हुई है, ठीक है। चलिए वायु नहीं, कोई माध्यम भर लेते हैं पहले हम, मान लीजिए के परावर्तकांक का कोई माध्यम भरा हुआ है, बाद में वायु के लिए हम क्या कर देंगे, के बराबर वन करके हम इसी में ही निकाल देंगे आगे। तो चलिए हम पहले निकालते हैं माध्यम भरा हुआ के परावर्तकांक वाला। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है ना, तो ये क्या है, सी, तो सी क्या है, धारिता, किसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। और दोस्तों जब माध्यम कोई परावर्तित माध्यम भरा होता है तो धारिता का व्यंजक ये आता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि वहां पर माध्यम परावर्तन के भी आता है। अगर यही हम डेरिवेशन वायु निर्वात के लिए कर रहे होते तो के को हटा देते, के को वन कर देते, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखते, तब भी हो जाएगा। आप तो आपकी मर्जी है के को आप लें या ना लें, यानी माध्यम भरें इसके अंदर परावर्तकांक वाला या ना भरें, दोनों से हो जाएगा। तो पहले मैं माध्यम भरने की बात कर रहा हूँ, बाद में इसको वायु निर्वात के लिए हम कर देंगे। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तथा वी बराबर कितना होगा, वी, एक वी आया ना इसमें, वी बराबर क्या होगा, ई डी होगा। भाई विद्युत क्षेत्र क्या है प्लेटों के बीच, मान लीजिए ई विद्युत क्षेत्र है और प्लेटों के बीच की दूरी है, तो वी बराबर ई डी, तो वी बराबर ई डी। हम इन दोनों वैल्यू को उठाकर सी और वी की कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा देखिए, तो ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा निकल गई यू बराबर हाफ, सी का मान कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी, और फिर है आपका वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है आपकी, ई डी है, और इसको रख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से यू बराबर कितना हो जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ से एक डी से डी को कर देंगे कैंसिल। इसके बाद मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहीं आगे मैं इसको कर देता हूँ, फिगर को मिटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी ज़्यादा। तो U बराबर कितना होगा हमारा, U हो जाएगा हाफ, क्या हो गया, K एप्सिलॉन नॉट, हाफ K एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया, E स्क्वायर ए डी, E स्क्वायर ए डी, इतना बचेगा, ठीक है। ये निकल के हमारी क्या ऊर्जा निकल के आएगी प्लेटों के बीच में, इतनी ऊर्जा होगी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस ऊर्जा से आपको क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो देखिए प्लेटों के मध्य, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। चलिए अब देखिए समझिए इसको, ऊर्जा घनत्व को मैं स्मॉल यू से प्रदर्शित कर रहा हूँ, किससे, स्मॉल यू से, जो कि क्या होगा, कुल ऊर्जा बटे आयतन, आयतन क्या है, क्षेत्रफल गुणा दूरी एडी। अब दोस्तों ये ऐसे ऊर्जा घनत्व का मैंने फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया, आप समझिए, थोड़ा सा दो मिनट का टाइम लगेगा आपको, कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला कैसा आया। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यानी कि रो बराबर एम अपॉन वी, या वी बराबर सॉरी रो बराबर एम अपॉन वी, ठीक है। तो ये घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों ये घनत्व नहीं होता है, क्या होता है, ये द्रव्यमान घनत्व होता है। किसका घनत्व है, द्रव्यमान का घनत्व, किसी वस्तु में द्रव्यमान का घनत्व होता है। तो आज तक आप जो पढ़ते आए ना घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, नहीं, वो एक्चुअली द्रव्यमान घनत्व होता था, क्या था, द्रव्यमान घनत्व। जब हम द्रव्यमान का घनत्व ले रहे थे तो द्रव्यमान में आयतन का भाग हुआ है, समझिए इस चीज को भाई, घनत्व किसका निकाल रहे हैं हम, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान में आयतन का भाग कर दीजिए। कभी भी घनत्व आपको निकालना हो तो आयतन का भाग करते हैं, अगर वो 3D फिगर है तो, 2D फिगर है तो क्षेत्रफल का, और अगर 1D, ठीक है, 1D वन डायमेंशनल फिगर है तो लेंथ लंबाई का भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए घनत्व के लिए क्या करेंगे, आयतन का भाग करेंगे हम, किस में करेंगे, जिसका आपको घनत्व निकालना है, जैसे कि आपको द्रव्यमान का निकालना था घनत्व, तो द्रव्यमान में आयतन का भाग हुआ। अब दोस्तों अब हम क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा का घनत्व निकाल रहे हैं, ऊर्जा का घनत्व,
तो अब सीधी सी बात है, ऊर्जा में आयतन का भाग करेंगे। जब द्रव्यमान घनत्व निकाला तो द्रव्यमान में आयतन का भाग हुआ। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं। ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं तो हम ऊर्जा में करेंगे आयतन का भाग, यही है ना दोस्तों। और यहां क्या लिखा है, ऊर्जा घनत्व क्या हो गया फॉर्मूला, ऊर्जा बटे आयतन। तो इसी प्रकार से ऊर्जा घनत्व क्या लिखा मैंने, ऊर्जा क्या ऊर्जा आई हमारी यू ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे आयतन। तो ये एडी लिखा हुआ है ना, ये क्या है आयतन ही तो है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा दूरी या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा ए, और बची हुई तीसरी भुजा अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन हो गया। तो यू बड़ा हो गया स्मॉल यू, यानी ऊर्जा घनत्व हो गया यू बटे एडी, यानी ऊर्जा बटे आयतन। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, ऐसा फॉर्मूला हमने आज तक नहीं पढ़ा है। तो ये कुछ नहीं है, पुराना वाला फॉर्मूला ये जो आज तक आप पढ़ते आए, ठीक है। चलिए अब ऊर्जा घनत्व निकल गई हमारी यू बराबर यू, अच्छा कैपिटल यू कितना हमारा ये रहा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी अपॉन क्या हो जाएगा एडी बटे आयतन हो गया, ठीक। अब देखिए एडी से एडी कैंसिल हो गया ना, तो यू बराबर कितना हो गया ऊर्जा घनत्व निकल गया हमारा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और दोस्तों यही है हमारा ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, यही हमको निकालना था। और देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया ये। अब इसी में हम कर देते हैं वायु निर्वात के लिए, वायु तो मैं इसमें एक लाइन और बना देता हूँ, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है दोस्तों, के का मान वन हो जाता है, वायु निर्वात के लिए के हो जाता है वन। दोस्तों ये जो हमारा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकला है, ये जब निकला जब हमने प्लेटों के मध्य कोई परावर्तित माध्यम भर रखा है तो ये होगा। अगर माध्यम ना होकर के क्या हो, वायु या निर्वात हो प्लेटों के बीच, तो ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको, क्योंकि हो सकता है आपको नीचे ना दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वायु निर्वात के लिए, ठीक है। वायु निर्वात के लिए के का मान क्या हो गया वन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, U बरा ऊर्जा घनत्व, तो U बराबर निकलेगा हाफ और K को कर देंगे वन वायु निर्वात के लिए, K को खत्म कर देंगे क्योंकि वन हो गया और बचा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो फिर ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व तो ये होगा प्लेटों के बीच। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, अगर वायु या निर्वात हो तो इतना आता है, अगर कोई माध्यम भरा हो परावर्तितांग वाला तो इतना आता है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा और बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये, ठीक है। जिस साल मैं पढ़ता था 2012 की मेरी इंटर की हुई है दोस्तों, 2012 में जिस साल मैंने किया था इंटर उस बार ये आया हुआ था, ठीक है। तो ये अच्छा है, ठीक, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई बार आ चुका है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।